दोस्तों नंबर सिस्टम के पार्ट वन वीडियो में हम लोगों ने टाइप वन पढ़ा था, और नंबर सिस्टम का अगर पार्ट वन वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, बिल्कुल जरूरी है। टाइप वन वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि संख्याएं अगर रूट में होती है, एक ही संख्या बार बार आगे डॉट डॉट होती है, बीच में प्लस में होती है या माइनस में होती है, तो क्या करते हैं, तो हम लोग यही करते थे ना, उस संख्या का गुणनखंड तोड़ते थे, और वैसे दो गुणनखंड में तोड़ते थे जिन दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना होना चाहिए था, एक होना होता था। तो प्लस में होने पर जो संख्या बड़ा गुणनखंड का होती थी, बड़ा गुणनखंड वाली आंसर होती थी। अगर क्वेश्चन माइनस में होता था तो जो गुणनखंड में छोटी संख्या होती थी जिन दोनों का अंतर एक होता था, उसकी छोटी संख्या आंसर हो जाती थी। लेकिन बात यहाँ पे ऐसी है कि कुछ संख्या ऐसी होती है जिनके कोई ऐसे दो गुणनखंड है ही नहीं जिनका अंतर एक होता है, तब क्या किया जाए, वहां पे समस्या आती है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट टू वीडियो है। कौन सा वीडियो है? पार्ट टू वीडियो। इसमें क्या है, जब कोई संख्या लगातार अंडर रूट में हो और प्लस या माइनस में हो, तथा आगे डॉट डॉट भी हो परंतु गुणनखंड का अंतर एक न आता हो, जैसे गुणनखंड अगर करे तो किसी भी स्थिति में उस संख्या का गुणनखंड दो गुणनखंडों का अंतर एक आ ही नहीं सकता है। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन हम लोग सवाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम दे दिए, अंडर रूट 5 है, प्लस 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 प्लस। अब बात आती है कि जब ये प्लस प्लस ये है तो 5 को गुणनखंड तोड़ करके हम लोग जब देखें तो 1 × 5, इसके क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड सिर्फ 1 और 5। अब ये जब 1 और 5 है तो दोनों गुणनखंडों का अंतर 1 पॉसिबल ही नहीं है। 5 से 1 कटाए तो अब कितना आता है, 4 आता है। जब 1 आता ही नहीं है तो वो जो हम लोग ट्रिक इस्तेमाल कर रहे थे पार्ट वन वीडियो में नंबर सिस्टम का, वो कैसे काम करेगा यहाँ पे, वो तो फेलवर हो जाता है। लेकिन नहीं, फेलवर नहीं होता है, यहां भी इसका सॉल्यूशन है। क्या है, जब यहां प्लस में हो और गुणनखंड वैसे रूप में टूटे जिनका अंतर एक ना हो, तो क्या करना है ना, जब प्लस में हो तो याद रखना, जब प्लस में हो तो इसके आगे वाले वैसे अंक देखेंगे जिनके दो गुणनखंडों का अंतर एक होता है, इसके पीछे नहीं जाना होगा, आगे जाना होगा। 5 के बाद कितना आता है, 6 आता है। 6 का वैसा कोई गुणनखंड हम लोग देखते हैं, 1 × 6 होता है, इन दोनों का अंतर एक नहीं हुआ, अर्थात ये वाला नहीं होगा। फिर 6 का 2 × 3 भी होता है, 2 × 3 अगर देखते हैं तो 3 और 2 का अंतर कितना आता है, 1, अर्थात ये गुणनखंड सही होगा। अब आगे वाला अंक सर्च नहीं करना है, बस इसके बाद जिस अंक का गुणनखंड टूट जाए और गुणनखंड टूट करके दो गुणनखंडों का अंतर एक हो जाए, बस उसी पे शोध समाप्त कर देना होता है हम लोग को। तो कितना, 5 के बाद कितना, 6 आ रहा है, और 6 का गुणनखंड कितना, 2 × 3 आ रहा है, 2 × 3 हम लोग तोड़ ले रहे हैं। जब 2 × 3 इस तरह से आ जा रहा है तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आंसर जो होगा वो 2 एवं 3 के बीच लिखना होगा। क्या लिखाएगा, 2 एवं 3 के बीच। क्या लिखना होगा, 2 एवं 3 के बीच लिखना होगा। लेकिन यही बात अगर हम लोग बात करते हैं कि जब माइनस में हो जाए, दूसरा सवाल लेते हैं, 5 माइनस में सवाल लेना होगा, आगे डॉट डॉट भी हो, जब प्लस में हो तो आगे वाली संख्या का दो गुणनखंड तोड़ेंगे, जब माइनस में हो और गुणनखंड ना टूट रहा हो जिनका अंतर एक हो तो इसके पीछे की संख्या को जाएंगे,
तो पांच को छोड़ना होगा, पांच के पीछे कितना, चार, चार का गुणनफल देखते हैं, एक गुणे चार नहीं, अंतर एक नहीं आ रहा है, दो गुणे दो करते हैं अंतर जीरो आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, अर्थात इसका भी कोई ऐसा गुणनफल नहीं है जिन दोनों गुणनखंडों का अंतर क्या हो, एक हो, यहां पे भी कितना आ रहा था तीन, अर्थात ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा, अर्थात चार भी नहीं लेंगे यहाँ पे, चार के बाद आगे हम लोग चलते हैं और आगे तीन को लेते हैं, तो एक गुने तीन अंतर कितना, तीन में से गया तो दो हो गए, यहां भी अंतर एक नहीं आ रहा है, इसका और कोई गुणनखंड होगा भी नहीं क्योंकि तीन एक अभाज्य संख्या है। चलिए उसके बाद आते हैं दो पे, दो को हम लोग देखते हैं तो एक गुने कितना दो, इसका भी मात्र यही एक गुणनखंड टूटेगा, एक गुने दो, दो और एक का अंतर कितना होगा, एक होगा, दो और एक का अंतर कितना, एक। तो बस यहीं पे क्लास खत्म हो जाती है, आपको लिखना होगा आंसर एक एवं दो के बीच, एक एवं दो के बीच लिखना होगा, अर्थात एक शॉर्ट समरी के तौर पे देखें कि जब गुणनखंड ना टूटे, अंडर रूट में लगातार हो, आगे डॉट डॉट हो, प्लस में हो, तो उसके आगे वाली संख्या लेंगे और आगे वाली संख्या का जो गुणनखंड टूटेगा जिसका अंतर होगा वही दोनों के बीच की संख्या आंसर हो जाएगी, जब माइनस में हो तो पीछे वाली संख्या लेंगे और जिस संख्या के गुणनखंड का अंतर एक और जिस संख्या के गुणनखंड का अंतर एक होगा वही आंसर हो जाएगा, वही दोनों संख्या उतना और उतना के बीच, जैसे एक और दो आया इसका गुणनखंड एक गुणे दो, तो एक और दो के बीच इसका आंसर हो गया, इसका दो और तीन के बीच होगा। चलिए इसमें कुछ और सवाल लेते हैं, एक सवाल है कि जब सवाल ये दे दिया जाए, एक 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 तब क्या हो? अब बात आती है एक, यहां देखें एक का गुणनखंड क्या होगा, एक गुने एक, अंतर तो एक आ नहीं सकता है, तो अभी बताया कि जब गुणनखंड ना टूटे और जब प्लस में हो, अंडर रूट में हो, आगे डाउट डॉट हो, तो उस स्थिति में इसके आगे वाली संख्या को देखते हैं, एक के बाद कितना को देखेंगे, दो, दो का गुणनखंड तोड़ते हैं, बिल्कुल एक गुने दो, अंतर कितना आ जा रहा है, एक आ रहा है, अंतर कितना जा रहा है, एक मिल जा रहा है हम लोग को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक एवं दो के बीच, इसका भी आंसर एक एवं दो के बीच। लेकिन यही अगर ऐसा होता माइनस में होता, यहाँ पे ये माइनस होता, अगर क्या होता माइनस होता, तो इसके पीछे बस आगे नहीं है संख्या देखेंगे, कहा पीछे देखेंगे, तो एक के पीछे क्या है, एक के पीछे क्या होगा, जीरो, एक के पीछे क्या है, जीरो। अब जीरो का गुणनखंड तोड़ेंगे तो हम लोग तोड़ सकते हैं जीरो गुने एक, कितना तोड़ सकते हैं, जीरो गुने एक, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या से गुना करोगे तो कितना, जीरो होगा, तो जीरो, इन दोनों का अंतर भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, अंतर भी कितना, एक। अगर यहां हम लोग दो लिख देते, अगर एक पास कुछ लोग ऐसा कहे कि सर अगर दो भी लिखे तो जीरो गुने दो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अंतर एक नहीं ना होगा, अंतर एक रखना होगा, तो जीरो गुने कितना, एक कर सकते हैं हम लोग, तो कितना अंतर आएगा, एक आएगा, तो इसका आंसर बस इतना ही, जीरो एवं एक के बीच हो जाएगा, जीरो एवं एक के बीच होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आप लोग कीजिएगा भी। इसके बाद आगे के पॉइंट जो आगे क्वेश्चन बनता है इस पत्ती में, संख्या पत्ती में ऐसे भी आता है सवाल, डायटोनिक टाइप थ्री पे हम लोग देखते हैं, टाइप थ्री ऐसे भी सवाल आता है कि संख्याएं लगातार दी होगी, ना प्लस में होगी ना माइनस में होगी, वो गुना में होगी, क्या होगी, गुना में होगी, आगे डॉट डॉट, यानी संख्या अंडर रूट में हो और गुना में हो तथा आगे डॉट डॉट भी हो, तब क्या करना है, बिल्कुल आसान होगा, एग्जांपल देख लेते हैं, रूट फाइव आगे डॉट डॉट हो इस तरह से, तो क्या कर देंगे, बस कुछ नहीं, बस वही संख्या निकाल देना है, चाहे ये नहीं हमको देखना है कि इसका गुणनखंड कितना टूटेगा या नहीं टूटेगा, जो संख्या होगी वही आंसर हो जाएगी,
जैसे अगर हम लोग मान लिया जाए लिखते हैं रूट दस, आंसर कितना 10, सॉरी डॉट डॉट का मतलब ही आगे चल रहा है तो इन्फिनिटी भी है ये। कभी कभार दोस्तों ये जो डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट के स्थान पे ऐसे कभी आपको ऐसे लिख दे इन्फिनिटिव दे दे, क्या दे दे इन्फिनिटिव ऐसे दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यही पांच यही पांच। इसका एक लास्ट क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, ये तो ऐसा क्वेश्चन यही रहेगा, आगे डॉट डॉट नहीं रहेगा, सेम संख्या रहेगा डॉट डॉट नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, ये रहेगा आगे गुना में रहेगा, आगे डॉट डॉट नहीं रहेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो संख्या है उसको निकाल देंगे। क्या करेंगे, जो संख्या है उसे निकाल देंगे, संख्या को निकाल लेंगे। संख्या के निकालने के बाद क्या करेंगे, जितना बार रूट है उसके पावर को बट्टा करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पावर को बट्टा में लिखेंगे, कितना बार रूट है, एक दो तीन चार। हम लोग को पता है कि अंडर रूट में मान कितना होता है, दो होता है, उतना बार गुना कर देंगे, दो 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 दो, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, यहां कितना लिख देना होगा, सोलह लिख देना होगा, और इससे कम ऊपर लिखना होगा पंद्रह। करना कुछ नहीं, दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस ये करना जो संख्या है वो लिख देना है, जितना बार रूट है उतना बार दो को गुना करके नीचे लिख देना है और उससे एक का ऊपर लिख देना है। जैसे अगर हम बात करें ऐसे हो, अगर ये रहता छ छ छ, एक दो तीन बार रूट हम लोग क्या कर देंगे, यहां छ पावर का बट्टा में लिखेंगे, कितना, एक बार रूट है दो बार तीन बार, अर्थात तीन बार दो को गुना कर देना है, दो दुनी चार, चार दुना कितना आठ, इससे एक काम करके ऊपर लिख देना है सात, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि वीडियो का दूसरा भाग था मैंने क्लियर कर दिया, और मैं आगे जो पॉइंट्स होगा वो भी मैथ का वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बेहतर लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।